हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महिमा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, हमारी संडे स्पेशल सीरीज़ चल रही है और आज इसका पार्ट 9 है। ये हमारा आज का लास्ट पार्ट है और इसके साथ ही साथ हमारी ये सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से सीखा है कि कैंडल स्टिक्स होती क्या है, किस तरह से बनती हैं। उसके बाद हमने सीखा है कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स को और अब जो वीडियोज़ यानी जो हमारे ये पार्ट चल रहे हैं उनमें हम सीख रहे हैं चार्ट पैटर्न्स को। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है यानी इसके पहले के पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूट्रल पैटर्न्स को कि न्यूट्रल पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं। और इसके पहले हमने रिवर्सल पैटर्न्स और कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को कवर किया था। तो चलिए देख लेते हैं कि न्यूट्रल पैटर्न्स के अंदर कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे चार इंपॉर्टेंट न्यूट्रल पैटर्न। तो सबसे पहला जो पैटर्न है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, फिर है सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, फिर है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। फ्रेंड, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमने कंटिन्यूएशन में भी पढ़ा है और अब हम इन्हें जो है न्यूट्रल पैटर्न में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की। तो फ्रेंड, सबसे और उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो है न्यूट्रल पैटर्न होता क्या है। तो फ्रेंड देखिए, न्यूट्रल पैटर्न में क्या होता है कि जब भी मार्केट साइडवेज रहती है यानी कि एक रेंज के अंदर फंस जाती है, वो ना तो अपसाइड को मूव दे पाती है ना डाउन साइड की तरफ, यानी कि एक रेंज के अंदर जो है मूव कर रही होती है। और जब ये रेंज बना लेती है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एक बड़ा मूव जो है हमें देखने को मिल सकता है। वो मूव या तो अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा या फिर डाउन साइड की तरफ। तो फ्रेंड, जब जो ये पैटर्न बनते हैं यानी किस तरह से अगर पैटर्न बना लेते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा हम अलर्ट हो जाते हैं कि यहाँ से एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ये किस तरह से बनता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए ये किस तरह से बनता है। यहाँ पर इसने जैसे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद इसने अपसाइड को मूव किया और यहाँ पर रेजिस्टेंस को फेस किया। जहाँ पर इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है तो देखिए ये इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, यानी कि इस लेवल पर इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया और इससे थोड़ा सा ही नीचे ही इसने एक फिर से एक रेजिस्टेंस बनाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो डाउन साइड की तरफ को मूव होता जा रहा है। अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से तो रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस डाउन साइड की तरफ मूव हो रहा है और यहाँ पर इस तरह से अगर हम लाइन को ड्रॉ कर दें तो यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट की लाइन हो जाती है। जो हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट क्या हो रहा है, अप साइड की तरफ को मूव हो रहा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो एक रेंज बन रही है वो क्या होती जा रही है, रेंज छोटी होती जा रही है, यानी कि यहाँ से जो है मार्केट कुछ एक रेंज के अंदर फंस गया है। और अब यहाँ से अगर मूव आएगा या तो अप साइड को मूव आएगा या फिर डाउन साइड की तरफ, तो एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड, ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, इसमें क्या होता है, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो अप साइड की तरफ को मूव कर रहा होता है। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस को इसने, यहाँ पर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पर इसने फेस यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद डाउन साइड मूव किया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद इसने क्या किया, इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करके इसने अपसाइड को फिर से एक नया रेजिस्टेंस बनाया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस जो है वो अपसाइड की तरफ को मूव होता जा रहा है। और यहाँ पर जो ये सपोर्ट है, सपोर्ट क्या हो रहा है, सपोर्ट जो है यहाँ से डाउन साइड की तरफ को मूव हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो यहाँ पर जो है इसकी रेंज है वो रेंज जो है छोटे से बड़ी होती जा रही है और यहाँ से एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड देखिए, जब एक हम रेंज की बात करें तो जो रेंज मतलब कि जो रेंज बनती है ना, तो इसके अंदर भी हम जो है, इस रेंज के अंदर भी हम जो है अपनी ट्रेड जो है लेते हैं। किस तरह से लेते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, तो देखिए यहाँ पर अब आपको पता है कि यहाँ पर ये इसने जो है रेंज बनाई है। सपोज़ करिए कि यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से जब इसने सपोर्ट लिया, अगर आपने इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है तो ये सपोर्ट लेके अगर जैसे ही अपसाइड की तरफ को मूव करेगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस आप जो भी कैंडल होगी उसके नीचे आप लगा सकते हैं। और अपसाइड का मूव जो हमारा होगा, तो हमारा मूव कहाँ तक हमें मिल सकता है, तो जो ये ट्रेंड लाइन होगी तो यहाँ इस लेवल तक हमें जो है अपसाइड की तरफ एक मूव देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड, जब एक चैनल बना लेती है ना तो उसके अंदर भी हम जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो ये है जो है, ये है हमारा सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो फ्रेंड, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है, यहाँ पर ये जो इसके रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का लेवल बिल्कुल इक्वल होता है। देखिए यहाँ पर
बिल्कुल रेजिस्टेंस इक्वल है, यानी इसी लेवल पर इसने बार बार रेजिस्टेंस फेस किया है। लेकिन यहाँ से देखिए, ये सपोर्ट की जो लाइन है, सपोर्ट की लाइन जो है डाउन साइड से अपसाइड की तरफ को मूव कर रही है, यानी कि यहाँ पर जो सपोर्ट है वो छोटा होता जा रहा है। तो फ्रेंड ये है हमारा ट्राइंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम इस तरह से नीचे तरफ लाइन को ड्रॉ करें तो यहाँ पर जो सपोर्ट होगा, सपोर्ट इक्वल होगा, यानी कि जो सपोर्ट का जो लेवल है, देखिए इसी लेवल पर बार बार ये सपोर्ट ले रही है। लेकिन जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस देखिए इस तरह से अगर लाइन को ड्रॉ कर दें हम, तो रेजिस्टेंस जो है वो डाउन साइड की तरफ को मूव होता जा रहा है, यानी कि ये एक रेंज इसने बना लिया है। और ये किसी भी, यानी कि या तो अप साइड की तरफ को ब्रेक कर सकती है या फिर ये डाउन साइड की तरफ को ब्रेक कर सकती है। तो चलिए देख लेते हैं हम इन्हें चार्ट पर कि ये चार्ट पर किस तरह से बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को और सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को। तो फ्रेंड यहां पर देखिए, ये हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से बना हुआ है। यहाँ से हमने एक लाइन को ड्रॉ किया इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया। तो रेजिस्टेंस देखिए ये डाउन साइड की तरफ को मूव कर रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, सपोर्ट हमारा अप साइड की तरफ को मूव हो रहा है। और यहाँ पर उसके बाद हमें ये ट्राइंगल पैटर्न देखने को मिला। और उसके बाद ये जो पैटर्न है ये अप साइड की तरफ को भी ब्रेक कर सकता है और डाउन साइड की तरफ को भी ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो एग्जांपल लिया है, ये यहाँ पर एग्जांपल ये डाउन साइड की तरफ को मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पर इसने जो ब्रेक किया है वो डाउन साइड की तरफ को ब्रेक किया है। तो हमारी जो एंट्री बनेगी, तो फ्रेंड देखिए एंट्री हमारी क्या बनेगी, यहाँ पर ये जो लाइन ट्रेंड लाइन है ये जब ब्रेक होगी, ब्रेक होने के बाद इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है जिस कैंडल से, तो हम उस कैंडल के नीचे जो है एंट्री करेंगे और उस कैंडल के हाई पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो कैंडल बनी हुई है इसने क्लोजिंग नहीं दी है, हमें जो क्लोजिंग मिली है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस कैंडल में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इसने इस कैंडल ने नीचे क्लोज किया है। तो हमारा जो लेवल होगा एंट्री का लेवल, तो हमारा इस कैंडल के नीचे बनेगा और स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के हाई पर बनेगा। और जो हमारा टारगेट होगा, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा टारगेट निकल कर आएगा, तो टारगेट जो हम डिसाइड करेंगे इस ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सपोर्ट लेके जो इसने अपसाइड की तरफ को मूव दिया, यानी कि जो इसका रेजिस्टेंस है, जो ये सपोर्ट है, तो जितने पॉइंट का यहाँ पर ये मूव है उतने ही पॉइंट का हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा। और फिर अगर ये और भी डाउन जाता है तो आप अपने जो आपका स्टॉप लॉस है उसे आप जो है ट्रेल करते रहिए और अपने टारगेट्स को अचीव करते रहिए। तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ अब जो है नेक्स्ट पैटर्न। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा पैटर्न है वो है सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। जैसे कि अभी हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को पढ़ा था और उसे देखा था कि चार्ट पर वो किस तरह से दिखता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप चार्ट पे देख सकते हैं एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से जो ये इसकी रेंज है, यहाँ पर रेंज छोटी थी और उसके बाद देखिए ये रेंज जो है वो बड़ी होती जा रही है। तो अगर हम इस तरह से लाइन को इसी तरह से ड्रॉ कर दें तो चार्ट पर देखिए फ्रेंड आपको ऐसे ही नज़र आएगा। यहाँ से अगर हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर दें तो देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, ये आप लेवल देख सकते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस को फेस किया, उसके बाद यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस को फेस किया और यहाँ पर फेस किया। तो यानी कि यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, नीचे से अपसाइड की तरफ को मूव कर रहा है। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो देखिए, हमने इस तरह से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसने कितनी बार यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये पैटर्न मिला, ट्रायंगल पैटर्न। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो हमारी एंट्री बनेगी इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो इस कैंडल ने देखिए यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है, तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो हमारी एंट्री इस कैंडल के हाई पर बनेगी और स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो जो है इस कैंडल के लो पर बनेगा। और जो हमारा टारगेट होगा, तो फ्रेंड जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, तो जितने पॉइंट का यहाँ पर जो सपोर्ट से जो रेजिस्टेंस जो हमें मिला हुआ है उतने ही पॉइंट का हमें यहाँ पर जो है टारगेट देखने को मिल सकता है, तो वो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। अगर उससे भी ज़्यादा अगर मूव करता है तो फिर आप अपने एसएल को ट्रेल करते रहिए और टारगेट को लेते रहिए। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड अब हम देखेंगे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को कि ये किस तरह से चार्ट पर नज़र आते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो देखिए ये बना कैसे है, अगर हम इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ कर दें चार्ट पर, तो यहाँ पर देखिए बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस को फेस किया, फिर यहाँ पर सेकंड टाइम, फिर यहाँ पर देखिए थर्ड टाइम इसी लेवल के आसपास से। यानी कि ये हम रेजिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ कर दें तो रेजिस्टेंस का जो लेवल है बार बार एक ही लेवल से रेजिस्टेंस जो है फेस हो रहा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ से अगर हम इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ कर दें तो यहाँ पर देखिए इसी ट्रेंड लाइन पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पर देखिए उसके बाद हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है, ये हमारा होता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो फ्रेंड ये जो पैटर्न है इसके बाद जो है यहाँ पर ये डाउन साइड की तरफ को भी मूव दे सकता है और यहाँ से अप साइड की तरफ को भी मूव दे सकता है। तो यहाँ पर जो हमारी एंट्री बनेगी, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एंट्री हमारी कब बनेगी, तो जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, तो ब्रेक होने के बाद हमें क्लोजिंग मिल जाती है जिस कैंडल से, तो उस कैंडल के लो पर हमारी एंट्री बनेगी और उस कैंडल के हाई पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे नहीं मिल पाई, और इस कैंडल ने देखिए प्रॉपर क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर हमारी जो एंट्री होगी इस कैंडल के लो पर बनेगी और स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के हाई पर, और टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब हम नेक्स्ट डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को। सो फ्रेंड्स चार्ट पर देखिए, चार्ट पर आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा ट्रायंगल पैटर्न, जिसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो देखिए ट्रेंड कैसा चल रहा है, यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ को मूव कर रहा था, मूव करने के बाद देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो सपोर्ट का जो लेवल है वो इक्वल है। लेकिन अगर इस तरह से हम एक लाइन को ड्रॉ कर दें तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की लाइन हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, यानी कि इस ट्रेंड लाइन से जो है रेजिस्टेंस को ये फेस कर रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, हमारा डाउन साइड की तरफ वो मूव कर रहा है लेकिन जो हमारा सपोर्ट है वो इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें जो है अप साइड को मूव मिला है, और यहाँ पर इसने ब्रेक किया अपसाइड को, तो अपसाइड की तरफ मूव मिला। अगर यहाँ से ये डाउन साइड की तरफ को ब्रेक करता तो हमें यहाँ पर डाउन साइड की तरफ मूव देखने को मिलता। तो यहाँ पर जो हमारी एंट्री बनेगी, तो इस कैंडल ने यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग दे दी है, तो इस कैंडल के हाई पर हम जो है अपनी एंट्री लेंगे और इस कैंडल के लो पर हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। और टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा टारगेट कितना हमें यहाँ पर देखने को मिला है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये न्यूट्रल पैटर्न समझ में आ गया होगा, और इसके पहले के जो ये पैटर्न है कंटिन्यूएशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न, अगर आपको ये नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड इसी वीडियो के साथ ही साथ हमारा यानी कि हमारी जो सीरीज़ चल रही थी कैंडलस्टिक्स पर वो कंप्लीट हो जाती है, और मैं एवरी संडे आपके लिए अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगी लर्निंग पर्पज़ से, जिससे आपकी लर्निंग और भी ज़्यादा ग्रो करे। तो फ्रेंड आप अपनी लर्निंग को जो है ग्रो करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।